अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ठीक हो सुमन? सुमन 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 तुम ठीक हो? कैसे रह पाएगी ठीक? आपकी नजर जो हट नहीं पा रही है सुमन से। क्या बकवास कर रही हैं आप मामी जी? हम बकवास कर रहे हैं? हम सास ने इसे बहू मानने से इनकार करते हुए घर से बाहर निकाल दिया और जेद है कि हर रोज दौड़े दौड़े चले आते हमदर्दी दिखाने के लिए। इतना ही हमदर्दी था तो जब घर से धक्के मार के निकाल रही थी आपकी माँ तब कहने रोक लिए। ऐसे बात बात पर यहाँ आएंगे तो सवाल तो उठेगा ना अंशुमन बाबू, काहे ताक झांक कर रहे एक विधवा की जिंदगी में। अभी अभी तो हमने आपको मना किया था, आज आप फिर चले आए। अरे भाई आपको अपनी इज्जत की परवाह हो चाहे ना हो, लेकिन हमको है। पता है आपको ये सफेद साड़ी विधवा का वस्त्र काहे होती है? ताकि किसी अनजान का साया भी साफ झलक जाए। आप का जाने जब एक जवान विधवा किसी परिवार में होती है ना तो पूरे परिवार को तलवार की धार से जीना पड़ता है। आपको कहा आए और चले गए, ताने तो हमें सुनने पड़ेंगे ना। बस कीजिए मामी जी, बहुत हो गया आपका। मां ने इसे यहां पर भेजा था ताकि कम से कम यहां तो उसके साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन नहीं, यहां भी इसके साथ वैसा ही हो रहा है। बड़ी मां और आप में कोई फर्क नहीं है। समाज की बनाई हुई गलत परंपराओं को अपनाकर इसके सिर्फ बलि चढ़ सकती है, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। इसकी हालत देखिए, देखिए इसकी हालत। ऐसा लग रहा है कब से खाना नहीं खाया इसने। अगर मैं वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचता तो चक्कर खाकर गिर जाती वो। अरे गिर जाती तो उठाने के लिए पूरा मोहल्ला है। आपको इतनी दूर से भाग भाग कर आने की क्या जरूरत थी अंशुमन बाबू? जिंदगी तो आप नरक बना रहे इसकी अंशुमन बाबू। उर्मिला जी, क्या तमाशा लगा रखा है बीच मोहल्ले में? कोई अपने रिश्तेदार से ऐसे बात व्यवहार करता है क्या? ये मत भूलिए के अंशुमन बाबू हमारी बहू नंदिनी के बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई की तरह घर आए जाए ना, यहाँ जेठ की तरह छोटे भाई की विधवा पर दया दिखाने काहे आ जाते हैं? बोलिए आप ही लोग, बोलिए क्या ये सब सही है? बोलिए बोलिए आप लोग। नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए मामा जी, सुमन चक्कर खा के गिरने वाली थी, वो तो संयोग से मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसे गिरने से बचा लिया। और मेरी जगह यहाँ पर कोई भी होता तो यही करता। ये सिर्फ एक व्यवहारिक बात थी, लेकिन मामी जी ने इसे... अरे काहे सारी दुनिया के सामने बार बार व्यवहार की बात करके हमारे और इस विधवा के दामन पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देख रहे हैं ना कैसे लोग सवालिया निगाह से देख रहे हैं? बस मामी बहुत हुआ, आप किसी को अपमानित करने की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। मुझे सुमन के लिए दुनिया वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी ही चिंता है तो ले जाना इसे भी अपने साथ विदेश। मामा मामी की ममता और परवरिश इतनी बुरी है तो आजाद हो तुम लोग, जाओ निकलो। मामी अब क्या बोल रही हैं? हाँ ले जाऊंगा, नहीं छोड़ सकता सुमन को यहाँ आपके अत्याचार सहने के लिए। मैं आपकी तरह 100 सवाल खड़े करना नहीं चाहता, लेकिन आपने कभी सोचा है जिस ममता की आप दुआई दे रही है, अगर उसी ममता से आपने सुमन को संभाला होता तो सुमन को सुभी माँ के आंचल में ममता की छाव नहीं दिखती। मामा जी तो पिता जैसे बन गए पर आप माँ जैसी नहीं बन पाई। कभी खुद से पूछिएगा। भाई आप क्या बोल रहे हैं? मामा जी और नाना जी ने यही सिखाया है आपको, क्यों बोल रहे हैं साहब? नहीं लेकिन बहन पर अत्याचार बर्दाश्त करना भी नहीं सिखाया है। चलो सुमन
अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई आप क्या बोल रहे हैं, लोग बाहर से घर आते और आप चाहते कि हम घर छोड़कर ही चले जाएं? नहीं भाई, मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, हम हमारी जिंदगी पर पूरा अधिकार है, उनका हक बनता है हमसे सवाल करने का। मामी, अंशुमन जी और भाई की तरफ से हम माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए प्लीज। अंशुमन जी, आप प्लीज यहां से जाइए, आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर की बात है, हमारे घर की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी हम खुद ही कर लेंगे, प्लीज आप यहां से चले जाइए। सुमनिया उमैना है जिसको हम पंख फैला उड़ने नहीं देंगे, उसका पिंजड़ा हम तैयार किए हैं, ऐसा पिंजड़ा कि सारा जिंदगी हमारे इशारे पर नाचेगी, तभी तो हमारा चांदी भी कटेगा। नहीं कर पाया मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा, नहीं बचा पाया मैं सुमन को उसकी मामी के अत्याचारों से, समाज की धक्की अनुसी सोच और सवालों से, मैं हार गया मां, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हारे नहीं हो अंशुमन, उर्मिला जी ने समाज के सवालों के चक्रव्यूह में फंसाकर तुम्हें पीछे हटने को मजबूर किया है, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं अब सुमन पे कौन अत्याचार करता है, चलो हमारे साथ, उठो चलो हमारे साथ। नहीं मां, मेरे जाने से बात बिगड़ सकती है, हो सकता है सुमन को और भी अपमान सहना पड़े, मेरा जाना सही नहीं रहेगा मां। तुम सही कह रहे हो, चिंता मत करो, सुमन के सुरभि मां अभी हैं। केतारी, सुमन, हमें माफ कर दो बेटा, तुमने हमें माँ कहा था और हम माँ के फर्ज निभा ही नहीं पाए, समय के दोष के पत्थर पड़ गए थे हमारी समझ पे, सोच कुछ रहे थे वो कुछ और रहा था, हमारी गलती की वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है सुमन, पता नहीं इतने पत्थर दिल हम कैसे हो गए थे,
नहीं सुरभि माँ, माँ का दिल कभी पत्थर का नहीं होता। वो बस ऐसा इसलिए करती है ताकि बच्चे और मजबूत बन जाए, और आपने अपनी सुमन को और मजबूत बना दिया। आपकी वजह से हम और मजबूत बन गए। सुमन, अपने प्यार से तुमने हमारी गलती को और बड़ा बना दिया, लेकिन बस अब और नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब वही होगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें सुल्तानगंज रहना है या भागलपुर, ये तुम्हारा अपना निर्णय होगा, लेकिन अब होगा वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। बिल्कुल ठीक कहा बहुरिया ने, बदलाव से ही नई और अच्छी परंपरा की शुरुआत होती है। बहू हो या बेटी, बड़े घर की होती है तो उसकी संस्कार भी बड़े ही होते हैं। मुझे आश्रम जाना है किसी जरूरी काम से, बाद में मिलता हूं। अगर ये दोनों माँ बेटा सुमनिया का सुरक्षा कवच बने रहेंगे तो हमारे रास्ते का रोड़ा खत्म नहीं होगा और हमारी चाल कामयाब नहीं होगी। अरे वो अचानक से यहाँ आ गई और आके सुमनिया को गले लगा ली, हमको देखी भी नहीं। ये खेला चल रहा है बड़की समधन जी, यहाँ आपकी छोटकी ना बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। सबसे पहले तो सुमनिया को बड़ी होशियारी से ना आपके चंगुल से बाहर कर दिया, फिर यहाँ आके चौधराइन बन रही है। अपना विरासत संभालिए, नहीं तो आपकी छोटकी ना राय बहादुर खानदान के साथ साथ आपका नाक कटवाने में भी ना पीछे नहीं रहेंगी। हाँ यहाँ के हाल समाचार दे रही होगी, है ना? हम समझ सकते हैं, लेकिन आप भी एक बात को समझिए, ना ही आप दीदी हैं और ना ही दीदी का ओहदा पा सकती हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आप सुमन और शिखर की मामी हैं। आपने उन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन अब हमारा भी उनसे एक खास रिश्ता जुड़ चुका है। आपसे विनती कर रहे हैं, आप एक अच्छी महिला है, अच्छी ही बनी रही है ताकि हमारा ये रिश्ता भी अच्छा बना रहे, सुमन भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। समझ रही है ना हम क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमको धमका रही है, कुछ करना होगा उर्मिला। अजय सुनते हैं? अरे सुमन, अरे बहुरिया, देखो तुम्हारी सास हम पर कैसे इल्जाम लगा रही है। काहे शोर मचा रही हो, अब क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया है, जो कर रही समधन जी कर रही है, हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने अंशुमन बाबू पे सवाल काहे खड़ा किया, समधन जी का साथ काहे दिया। अब इनके घर में बड़की समधन जी का कैसा राज चलता है, किसी से छुपा है का? हम तो बस वही कर रहे थे जो हमसे बड़की समधन जी करने को कह रही थी। बाकी उनके सामने ना किसी का जबान नहीं खुलता है, हम पे तोहमत मढ़ा जा रहा है। बस करिए समधन जी, आप इन सब बातों में दीदी को मत लाइए। जहाँ भी सुमन की जिंदगी की बात होगी तो हम दीदी के सामने भी वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे आपके सामने खड़े हैं। और बात रही अंशुमन की, तो हमसे ज्यादा अच्छी तरह उसे कौन जानता है? कमल से भी कोमल मन है उसका, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद हो ही नहीं सकता। वो तो बस रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुमन की मदद कर रहा था। बाकी आप तो समझदार हैं, हमें लगता है सुमन के विधवापन को लेकर अब इस घर में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, और जब तक हमें इस बात का इत्मीनान नहीं हो जाता हम यहां से नहीं जाएंगे। भाई साहब, क्या हम आपके इस घर में कुछ दिन रह सकते हैं? अरे ऐसे क्यों कह रही हैं?
ये आपके भाई का घर है, ये आपके एक बेटी का ससुराल है तो दूसरी बेटी का मायका। वैसे तो ये घर आपके रहने लायक नहीं है, फिर भी जब तक चाहिए आप रह सकती है। हद हो गई, ये आदमी कभी हमारी तरफ खड़ा नहीं हो सकता। सर भीमा, हमें इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं। और फिर नंदनी तो हमारे साथ है ही, मामी है, मामा जी हैं, नाना जी हैं, भाई हैं, ऐसे में हमारी सुरभि माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हम पर भरोसा तो है ना सुरभि माँ? खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम पर। तुम कहती हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन जब भी महसूस होगा तो हम आ भी जाएंगे। केतारी को यहां छोड़ के जा रहे हैं, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। अब ये महारानी हमारे घर में हम ही पे निगरानी रखवाएंगी। जाने से पहले हम महन जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो तो आश्रम चले गए। चलिए सुरभि माँ, हम आपको नाना जी के आश्रम ले चलते हैं अभी। ठीक है। यही कुछ 19-20 साल की होगी। रुआंस, इस लड़की की शादी हर हाल में मेरे साथ ही होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है, ये बड़ी मजबूत घेराबंदी है इसके चारों तरफ, और ये भी किसी शेरनी से कम नहीं है। शेरनी के लिए दो बेचारे हैं मेरे पास। बेचारे? बेचारे, मेरे पहले पत्नी से दो बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल करो। ये शेरनी खुद ब खुद जान में फंस जाएगी। सुमन, हम फूल लेके आते हैं। जी सुन हेमा। की भी देरी हो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने आपको मना किया है ना, आपके आने से बिना वजह बात का बतंगड़ बन जाता है। अब तो सुरभि माँ आ गई, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है, लेकिन आप जब भी यहाँ आते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सुमन, सुरभि माँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट देख रही हो? इसे अंशुमन ने खरीदा है, पहला कंस्ट्रक्शन का काम है इसका, और ये सुल्तानगंज से शुरू करना चाहता है। सहयोग की बात देखो, ये तुम्हारे घर के पास ही है। अंशुमन, हम बहन जी के आश्रम होके आते हैं। जी। चल। माफ कर दीजिए साहब, साइड मिरर देख नहीं पाया। कोई बात, आगे से ध्यान रख। बिना जाने समझे हमने कितना कुछ कह दिया अंशुमन जी को,
विधि के विधान के आगे किसका बस चला है बहन जी? हमने अपना बेटा खोया, सुमन ने अपना सब कुछ खो दिया, अब तो बस सुमन की चिंता सताती रहती है, कैसे गुजारेगी पूरी जिंदगी? जैसी महादेव जी की इच्छा। जिन्होंने भाग्य लिखा है वही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? आप लोगों के माँ पापा कहाँ हैं? हमारी मम्मी नहीं है, वो मर गई, पर हम अनाथ नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? हमारे पापा हैं, पर माँ नहीं है, हमें उनकी बहुत याद आती है। सुमन तुम इन बच्चों के साथ? सौरभ जीजू आप इन्हें जानते हैं? हाँ शिरीष बाबू के बच्चे हैं, इनकी माँ नहीं है सुमन। लेकिन शिरीष बाबू कहाँ हैं? आप इन बच्चों को आश्रम ले जाइए, मैं शिरीष बाबू को ढूंढता हूँ। आप लोग हमारे साथ चलिए, आइए आराम से, ये लीजिए आप लोग मिठाई खाइए। कितने मासूम बच्चे हैं, कोई कैसे इन्हें अकेला छोड़ के चला गया? सुल्तानगंज में ऐसा कौन है जिसे हम नहीं जानते हैं? आइडिया एकदम सही काम कर रहा है, तीर सही निशाने पर जाकर बैठा है।